था MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। सेम पित्रोदा ने बताया इसलिए वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ रही प्रियंका गांधी। कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज प्रमुख सेम पित्रोदा ने प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के पीछे की वजह बताई है। सेम पित्रोदा ने बताया चुनाव न लड़ने का फैसला प्रियंका गांधी का था। उन्होंने सोचा कि एक सीट के बजाय जो काम हाथ में है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए यह उनका फैसला था और उन्होंने यह निर्णय लिया। हालांकि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्चा भरने से एक दिन पहले 25 अप्रैल को कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को उम्मीदवार घोषित कर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि प्रियंका गांधी ने भी एक मीटिंग में पूछा था कि क्या उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रियंका गांधी को इसी मकसद से सक्रिय राजनीति में लाया गया था। वह पूर्वांचल में कमजोर हो रही कांग्रेस ने नई जान फूंक सके। खासकर वाराणसी और उसके आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया। कौन से अधिकारी बने हैं बोझ, सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर पता लगाएगी सरकार। केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1100 अधिकारियों के बीते 4 सालों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करके यह पता लगाएगी कि सरकार पर कौन से अधिकारी बोझ बने हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कठोर मानकों के आधार पर ऐसे अधिकारियों की यह समीक्षा की जाएगी जिन्होंने सेवा के 25 साल पूरे कर लिए हैं या फिर उनकी आयु 50 वर्ष के अधिक हो गई है। कुल 1143 अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा अखिल भारतीय नियमावली 1958 के नियम संख्या 16 के अंतर्गत 2015-2018 की अवधि के दौरान किए गए कार्यों की हुई। हंसराज हंस के बाद अब दलेर मेहंदी भी भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी में सितारों के आने का सिलसिला जारी है। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में शुक्रवार को दिल्ली कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार हंसराज हंस केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से उम्मीदवार हर्षवर्धन और पार्टी के अन्य नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही हंसराज हंस भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट भी मिल गया। हालांकि दलेर मेहंदी हंसराज हंस के संबंधी है। मेहंदी की बेटी की शादी हंस के बेटे से हुई है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।